अम्मा अम्मा वैक्सीनेशन वाले आए अम्मा, कहाँ तो क्यों अम्मा। वैक्सीन लगाने पहुंची टीम से डरकर ड्रम के पीछे छिपकर बैठी बुजुर्ग महिला। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन को लेकर लोग इस कदर डरे और सहमे हुए हैं कि इसकी असल बानगी देखनी है तो फिर इटावा के चांदनपुर गांव आए। इटावा जिले के चांदनपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी की MLA श्रीमती सरिता भदौरिया वैक्सीनेशन कैंप का अवलोकन करने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान उन्होंने गांव में वैक्सीन लगवाने की अपील की। अपील के क्रम में खुद सरिता भदौरिया एक घर पहुंची। इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला वैक्सीन लगवाने के डर से गांव के अंदर छुप गई, जिसको बकायदा विधायक के साथ रहने वाले चंदन पोरवाल ने महिला को आवाज देकर बुलाते हुए देखा जा रहा है, लेकिन महिला वैक्सीन लगवाने के डर से सामने आने को तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से बुजुर्ग महिला सामने जरूर आई, लेकिन वैक्सीन लगवाने के नाम पर बहाने ही बनाती दिखाई देती रही। बाद में विधायक और वैक्सीनेशन लगाने आई टीम ने महिला को यह कहकर संतुष्ट कर दिया कि उसको फिलहाल वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, वह परेशान ना हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भगवान दास ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के चलते अभी भी लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। डॉक्टर भगवान दास ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।